अगर ये कैमरे में ना रिकॉर्ड हुआ होता तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई भी चीज नहीं होती, तो जरा आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही अनोखी चीज दिखाने वाले हैं जो अगर कैमरे में ना रिकॉर्ड हुई होती तो कोई भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये वीडियो ऐसी है जो लोगों को काफी समय से अचंभे में डाली हुई है, मगर जब इन चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया तो लोग इन्हें देखकर अचंभे में पड़ गए कि भला ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, साईं बाबा के एक मंदिर में 2016 में कुछ ऐसी गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं जिन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। लोगों का ये कहना है कि साईं बाबा की मूर्ति हमेशा हिलती रहती है और कुछ कहने की कोशिश कर रही है। इस बात की खबर जब वहां के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने वहां पर साईं बाबा की मूर्ति के आगे एक कैमरा लगवा दिया और फिर इस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसने सभी को अचंभे में डाल दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे साईं बाबा की मूर्ति से माला टूटकर गिर जाती है। आप क्या कहोगे इस बात पर? क्या ये सच में ही कोई चमत्कार था या फिर कोई मजाक? चलिए अगली वीडियो में रिकॉर्ड हुए अजीब सी घटना को देखते हैं। दोस्तों, एक बार काली माता के इस मंदिर में एक श्रद्धालु वहां पर रखी गई सभी मूर्तियों की वीडियो बना रहा था। इस दौरान उसने माता काली की भी मूर्ति की वीडियो बनानी शुरू कर दी। सभी मूर्तियों में तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब उसने माता काली की मूर्ति की वीडियो बनाई तो उसे ऐसा लगा जैसे माता काली की आंखें उसी की तरफ ही देख रही हों। इस व्यक्ति ने यह देखकर कैमरे को कई बार माता काली के चारों तरफ घुमाया, मगर कैमरा जिधर भी घूमता था माँ काली की आंखें उधर ही देखने लग जाती थी। दोस्तों, इसे देखकर आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर किसी तरह का इल्यूजन? आप सभी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। दोस्तों, माता काली के लिए एक लाइक जरूर करें। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखकर मजा तो जरूर आया होगा। तो अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके लिए एक लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।